TCF, ये नाम याद रखें क्योंकि ये लोग जो काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ मैं अल्फाजी बात नहीं कर रहा, ये हकीकत में इतना अच्छा काम कर रहे हैं TCF वाले लोग कि मैं अपने दिल से इनको सपोर्ट करता हूँ और दिल से दुआएं देता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मेरे शहर लाहौर के अंदर जब एक स्पीच दी थी, जिसमें बाकायदा हम लोग उसको बाज़ औक़ात अपनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक चीज़ कहा था जिसको मैं पढ़ के खुद हक्का बक्का रह गया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को बतौर रियासत 1/5 ऑफ आर बजट, 5 में से एक हिस्सा हमारा बजट जो है उन लोगों की तालीम में जाना चाहिए जिनके पास रिसर्च और एक्सेस ना हो, उस तबके को पढ़ाने के लिए 1/5 ऑफ आर बजट। और सिर्फ ये नहीं कहा था कि ये करें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह भी कहा था अगर ना करेंगे तो क्या होगा। ही सेज़, एंड आई कोट, एवरी इफ यू डू नॉट डू इट एवरी कमिंग गवर्नमेंट विल बी मोर करप्ट देन द प्रीवियस वन। अब मेरे ख्याल से 70 साल गुजर गए, हम इसके लिए और सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब वक्त है, अब वक्त है जब हम बातें कर रहे हैं कि मुस्तकबिल की सोचें। हमारे साथ जो हो गया सो हो गया, हम भी इस मिट्टी में निकल जाएंगे, हमारे बच्चे भी इस मिट्टी में निकल जाएंगे, लेकिन आगे नस्लों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ये शहर 2500 साल पुराना भी हो सकता है, लेकिन हमारे बच्चे जो आएंगे हमें उनके बारे में सोचना है, क्योंकि ये तो हमें विरसे में मिला है, उनको भी ये विरसे में मिलेगा। हम विरसे में क्या छोड़ के जाएंगे, लोग क्या कहेंगे हमारी नस्ल के बारे में कि ये हरियाला था गंजा कर दिया, ये पढ़े लिखे लोगों का इलाका था जाहिल कर दिया। बहुत ज़रूरी है बाशऊर लोगों को, ज़िम्मेदार लोगों को, एहसास करने वाले लोगों को हम पैदा करें, हम आगे पढ़ाएँ। और ऐसे इदारे, TCF जैसे इदारे जो आज पौधा लगाते हैं ताकि बरसों बाद लोग उस छाँव को इंजॉय कर सकें, इनको मैं सपोर्ट करता हूँ, आप भी सपोर्ट करें। यू मस्ट स्टेप आउट एज एन एब्सोल्यूट इमरजेंसी, सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक TCF एंड हेल्प एवरी चाइल्ड ऑफ पाकिस्तान एजुकेट।